हेलो फ्रेंड्स, रेणु की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आलू कचौरी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। बिल्कुल फूले फूले बनेंगे, ना ही फटने का झंझट होगा, ना ही ज़्यादा ऑयली होगा। कुछ खास ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक बड़े बर्तन में 1 कप आटा ले रही हूँ, 1 कप मैदा और 1/2 कप मैं ले रही हूँ सूजी। आप चाहें तो सिर्फ आटा या फिर सिर्फ मैदा से भी बना सकते हो। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। ना ही इससे कम डालना, ना ही इससे ज़्यादा डालना है। 1 चम्मच ले रही हूँ अजवाइन। इस तरह से हाथों में क्रश करके डालने से अजवाइन का जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। बिल्कुल थोड़ा सा ले रही हूँ कस्तूरी मेथी, डालिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इन सबको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें आता है मोयम लगाने का। तो मोयम मैं यहाँ पे 1/4 कप से थोड़ा सा कम ले रही हूँ, मान के चलिए कि 3 बड़े चम्मच है। ऐसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसमें ऑयल को जितना अच्छे से आप मिक्स करोगे, आपका कचौरी जो है उतना ही अच्छा खस्ता बनेगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो बन जाना चाहिए। इसका मतलब जो ये है, मोयम जो है इसमें परफेक्ट है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दही। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब बारी आता है फ्रेंड्स इसका डो लगाने का। तो डो जो है इसका सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि एकदम चिपचिपा सा रहेगा, बस सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप इसका टाइट डो लगाएंगे तो जब स्टफिंग भरेंगे तो साइड से क्रैक आ जाएगा और कचौड़ी फूलेगा भी नहीं, ऑयली भी हो जाएगा और आपका तेल भी ख़राब हो जाएगा। तो डो हमें हमेशा इसका सॉफ्ट ही लगाना है। तो इसे अच्छे से मसल मसल के हमें लगा लेना है। तो देखिए, जो सॉफ्ट सा डो हमारा तैयार है, इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। अब बारी आता है मसाला का। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच धनिया ले रही हूँ, 1 छोटा चम्मच मैं सौंफ ले रही हूँ और 1 छोटा चम्मच ही मैं जीरा ले रही हूँ। अब मसालों को करना हमें रोस्ट। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा रोस्ट करना है। इस तरह से मसाला का रोस्ट करके डालने से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। जो हलवाई वाला टेस्ट होता है ना, वही टेस्ट आएगा। आप इस जगह में लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी तो यहाँ पे लाल मिर्च नहीं ले रही हूँ। ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो बच्चे लोग नहीं खाएँगे, तो इसलिए मैं मिर्च नहीं डाली हूँ, आप डाल सकते हो। इसको हमें पाउडर करना है। तो देखिए, पाउडर हमारा जो है इस तरह से होगा। बहुत फाइन पाउडर नहीं करना, बस दरदरा सा कोसली हमें पीसना है। उसके बाद आलू, यहाँ पे मैं 4 बड़े साइज का आलू ली हुई हूँ। आलू को पहले से बॉईल करके ठंडा कर लेना हमें, उसके बाद आप इस तरह से ग्रेट कर लीजिए या फिर मैश कर लीजिए। गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मैं रिफाइंड डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च इस तरह से बारीक कट करके ली हुई हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डालें। 1 छोटा चम्मच अदरक, बस हल्का सा हमें इसे भुनना है। और थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी ले रही हूँ। अब आलू को डाल देते हैं इसमें। लेकिन फ्रेंड्स, आप आलू का ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना हमें, नहीं तो आपका जो स्टफिंग है अच्छा नहीं बनेगा। आलू डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक पहले अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद मैं डाल रही हूँ काला नमक। काला नमक से बिल्कुल हलवाई वाला जो टेस्ट होता है ना फ्रेंड, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, तो डालिएगा ज़रूर। और 1 छोटा चम्मच मैं आमचूर पाउडर ले रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ जो हमने मसाला तैयार किया है, उसे डाल रही हूँ। उसे पूरा नहीं डालना है फ्रेंड्स, मैं हाफ ही डाली हुई, जितना हमारा मसाला तैयार हुआ आधा डाली हुई हूँ। और 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इन सबको वापस से 2 से 3 मिनट फ्राई करते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे इसका टेक्सचर कलर बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सा लगता है देखने में, ये देखिए। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने पहले भी काला नमक वगैरह डाला था ना, इसीलिए थोड़ा सा ले रही हूँ। और ये मैं 1 बड़ा चम्मच पोहा का पाउडर ले रही हूँ, जिससे क्या होगा, आलू जो है बिल्कुल चिपचिपा सा नहीं रहेगा, इसका जितना भी मॉइस्चर है ये बैलेंस हो जाएगा पोहा पाउडर डालने से। आप पोहा का भी पाउडर डाल सकते हो,
या फिर इस जगह में आप बेसन भी ले सकते हो। अगर बेसन ले रहे हो तो जिस समय अदरक मिर्ची डाले हैं उसी समय बेसन को डाल करके पहले हल्का सा भूनना है। तो लीजिए हमारा जो मसाला है तैयार हो गया, इसे ठंडा कर लेते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और जो डो है हमारा तैयार है, थोड़ा सा वापस से हमें अच्छे से नीड कर लेना है इसे। तो लीजिए हमारा डो भी तैयार हो गया है। अब बिल्कुल छोटे छोटे हमें बॉल बनाना है नींबू के साइज़ का। अच्छे से इसे नीड करते हुए हमें बॉल बना लेना है। उसके बाद आलू का भी उसी तरह से बॉल बना लेना है। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करके इस तरह से कटोरी बनाएंगे। बस ध्यान रखना है कि बीच जो है मोटा होना चाहिए और साइड से पतला करना हमें। और स्टफिंग को कभी भी बाहर नहीं निकलने दें, उसे अच्छे से हमें पैक करना है। और इस तरह से आप इसे निकाल भी सकते हो या फिर यहीं पे इस तरह से फोल्ड करना है। बस ध्यान रखना है कि स्टफिंग कभी भी बाहर नहीं निकलने दें, नहीं तो आपका ऑयल जो है ख़राब हो जाएगा और कचौड़ी फूलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करना है। अब कटोरी बनाते समय ध्यान रखिए कि बीच का जो पोर्शन है वो मोटा हो और साइड से पतला। और इसी तरह से सारे को भर लेंगे। उसके बाद आप इसे बेल भी सकते हो या थोड़ा सा तेल लगा करके इस तरह से प्रेस करते हुए हमें इसे फैलाना है। फैलाते समय ध्यान रखना है कि साइड से हमें प्रेस करना है, बीच में प्रेस नहीं करना है। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, ये देखिए इस तरह से थोड़ा मोटा ही रहता है फ्रेंड्स ये जो कचौड़ी है। इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। तो लीजिए तैयार हो गया है। और ऑयल का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं रखना, ना ही लो फ्लेम में रखना है, मीडियम में रखना। अगर हाई फ्लेम में रखेंगे कचौड़ी जो है कच्चा कच्चा बनेगा और लो फ्लेम में रखेंगे तो फूलेगा नहीं। तो मीडियम में हमें रखना है। और डालने के बाद तुरंत हमें कचौड़ी को टच नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर आने दें, उसके बाद इसे पलटें। ये जो कचौड़ी है एकदम से फूलेगा नहीं, धीरे धीरे करके ये जैसे जैसे सिकता जाएगा वैसे फूलेगा। तो ये देखिए कचौड़ी जो फूलना स्टार्ट हो गया है। अब इसे गोल्डन होने तक हमें अच्छे से इसे सेकना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना फ्रेंड्स, नहीं तो कचौड़ी जो है अच्छा नहीं बनेगा। तो लीजिए गोल्डन हो गया है। इसी तरह से सभी कचौड़ियों को हमें फ्राई कर लेना है। तो लीजिए कचौड़ी जो है हमारा तैयार है। मैं तो इसे धनिया की चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप इसे किस चीज़ के साथ सर्व करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक कचौड़ी मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल बराबर एकदम मसाला भी है और अच्छे से सिका भी है फ्रेंड्स, देखिए। तो लीजिए फ्रेंड्स मैं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हूँ। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।